साइबर सिटी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बारीकी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल देर रात सेक्टर 37 थाना क्षेत्र इलाके में दो नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर शराब के ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया और हथियार हवा में लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस हमेशा की तरह इस बार भी तफ्तीश करने के लिए पहुंची। वहीं पूरी वारदात शराब की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 37 में शराब के ठेके पर लूट का मामला है। ये गुरुग्राम के सेक्टर 37 के इलाका से जो मोहम्मदपुर है वहां से कल देर रात्रि लगभग 11:30 बजे दो बाइक सवारों ने जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे हथियार के बल पर ठेके के सेल्समैन से 35,000 रुपये की लूट की है, जो इस संबंध में थाना सेक्टर 37 द्वारा उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इसमें जो आरोपी हैं उनकी तलाश शुरू कर दी गई। सर कितने बजे की वारदात है और कितने इसमें बदमाश शामिल थे, सर क्या आरोपियों की पहचान हो पाई है? ये लगभग कल जो 23 अप्रैल 2019 लगभग 11:30 बजे की वारदात है और इसमें दो बाइक सवार हैं जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे और इसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी तक जो आरोपी हैं उनकी पहचान नहीं हो पाई है। कितने की लूट है सर? कितने की 35,000 रुपये की लूट है और इसमें मामला दर्ज कर लिया गया। सर ये 11:15 बजे की बात है, रात की, और हम यहीं बैठे थे दुकान में और दो बंदे आए पिस्टल लेके और ये बंदा बियर लगा रहा था दूसरा में फ्रिज के पास और उसको धक्का दे दिया पिस्टल दिखा के सारा कैश ले लिया। लगभग कितना कैश था? लगभग 35 के आसपास था। और इसके अलावा भी उन्होंने आपको हाँ धमकी दी कि हिलना मत गोली मार देंगे और बस यही करके हम लोग खड़े रहे और कैश लेके चले गए। पहले भी कभी वो आते रहे आपके ठेके पे? सकल नहीं देखे थे हमने, वो हेलमेट लगा रखा था उन्होंने।